ब्रादरीज़म पे लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो हमारा MP MNA का एक माइंडसेट बना हुआ है कि जब तक हमने गलियां नालियां नहीं बनानी तो पब्लिक ने वोट ही को नहीं देना। तो पाकिस्तान कैसे स्टैंड अप हो सकता है? अपोजिशन ने तैयार किया हुआ होता है कि हमने हुकूमत की मुखालफत करनी है तो फिर हमारी सर्वाइवल है। तो लोग अगर सवाल करना शुरू करेंगे कि हमें जज्बाती तकरीरों की ज़रूरत नहीं है, हमें मसाइल के हल की ज़रूरत है, मेरा ख्याल है कि फिर पॉलिटिकल लीडरशिप का रवैया जो है वो भी साथ उसके मुताबिक ही तब्दील होगा। जमहूरियत मजबूत होगी तो हमारा सिस्टम जो है मजबूत होगा। एक ऐसी जमहूरियत है कि एक तरफ तो मियां शहबाज शरीफ साहब के नारे थे कि मैं जरदारी को सड़कों पर घसीट, APC में सारे इकट्ठे होंगे, तो वो वहाँ पे वो मारना वो घसीटना वो कहाँ गई? मारना घसीटने वाला जो ये जो तकरीर होती है, ये रोज़मर्रा के अपनी जो ज़िंदगी में इस तरह के गुफ्तगू कभी भी नहीं करते होंगे। ज़्यादातर आवाम इस तरह के गुफ्तगू को पसंद करती है, जिसकी वजह से मैं समझती हूँ कि पॉलिटिकल लीडरशिप को इस तरह की गुफ्तगू या इस तरह की तकरीर करनी पड़ती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्रोग्राम टॉक विद हॉक के साथ मैं हूँ शहबाज अली सियाल। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा हमीदा वहीदुद्दीन साहिबा। आप थर्ड टाइम जो है वो मिनिस्टर डिक्लेयर हुई हैं, लोगों का एक बड़ा एतमाद था आप पे और आपने हमेशा ही सीट को विन किया। मैडम बहुत शुक्रिया आपका वक्त। नहीं, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपकी पैदाइश जापान में जी ओसाका, आपने बताया, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं ज़रा। इस तरह है कि वालदा जापानीज़ हैं, तो जापान में फिर मतलब पैदा हुई हूँ, फिर स्कूलिंग वहाँ हुई, तो उसके बाद फिर जूनियर हाई स्कूल में थी, तो उसके बाद मेरे वालिद मियां वहीदुद्दीन मतलब जिस सीट पे मैं इलेक्शन लड़ती हूँ उसी सीट पे वो MPA हुआ करते थे। वो जिस वक्त बीमार हुए तो फिर दो हफ्ते के लिए फिर मैं पाकिस्तान आई। तो पाकिस्तान आने के बाद क्योंकि वालिद साहब को छोड़ के जाने को दिल नहीं किया क्योंकि बिल्कुल अकेले थे, और अब मेरा ख्याल है कि 22-23 साल हो गए मैं यहाँ की होकर रह गई हूँ। आपका जो सियासी सफ़र है वो आपने कहाँ से इंस्पायर हो गया है? एक जापान के अंदर वहाँ का कल्चर अडॉप्ट किया और पाकिस्तान के साथ, वो एक डेवलप्ड कंट्री, पाकिस्तान एक अंडर डेवलप्ड कंट्री, तो सियासत का जो आपका है वो आपका इनहेरिटेंस जो है वहाँ से आपने उसको इंस्पायर हुए, या फिर आपका एक ज़ाती दिलचस्पी थी कि पॉलिटिक्स ही ज्वाइन कर? मेरा ख्याल है कि क्योंकि बचपन से जिस तरह हम पेरेंट्स को देखते आए हैं, वालिद साहब बजाते खुद सोशल वर्कर थे, और सोशल वर्कर होने की वजह से उनका ज़ाती एक वोट होने के बावजूद वो म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन भी मुंतखब होते रहे, फिर MPA भी मुंतखब होते रहे, और उनके फौत होने के बाद मेरा भी वहाँ ज़ाती एक वोट है, मतलब बहन मेरी जापान में होती है और बाकी मेरे दादके हैं या ससुराल हैं सब लाहौर में हैं। और यकीनन फिर एनवायरनमेंट का भी असर है, जिस तरह मैंने 12 साल जापान में रही और जापान से जब पाकिस्तान में आई थी तो जापान और पाकिस्तान के माहौल में बहुत फ़र्क था, तो बहुत सारी चीज़ें मैं देखती थी कि पाकिस्तान में इस तरह होना चाहिए, जापान में अगर इस तरह है तो यहाँ इस तरह क्यों नहीं है। तो इसी शौक से मेरा ख्याल है कि मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ। यहाँ की जो बरादरी है, आपने बात की बरादरीज़म पे लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं जी, तो ये कितना मुश्किल सफ़र था, कितना आसान था कि कंजेक्टिवली जो है ना आप जो है इस सीट के ऊपर विराजमान रही हैं? एक तो वालिद साहब की खिदमत, क्योंकि उनके 40-45 साल की इलाके के लिए खिदमत थी, और इसके अलावा मैं समझती हूँ कि डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन के लोगों की अच्छाई है, क्योंकि देखें अगर कोई बंदा अगर अच्छा काम करता भी है तो अमूमन तो लोग भूल जाते हैं और नए बंदे की तरफ रुझान हो जाता है। तो लेकिन मंडी बहाउद्दीन के अवाम ने मेरे वालिद साहब के फौत होने के बावजूद, जिस तरह 94 में वो फौत हो गए और 2001 में मैं पॉलिटिक्स में आई थी, मतलब इतना गैप होने के बावजूद मंडी बहाउद्दीन की अवाम ने मेरे वालिद साहब के खिदमात को याद रखा, और जिस वक्त मैं पॉलिटिक्स में आई तो लोगों ने इस तरीके से साथ दिया है जिस तरह अपनी सक्की बेटी का साथ देते हैं या सक्की बहन का साथ देते हैं। तो मैं समझती हूँ कि दोनों तरफ से जो है, एक तो वालिद साहब की खिदमात की भी वजह है और दूसरे नंबर पे डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन की लोगों की अच्छाई है कि बरादरी इज़्म और पैसे को एक तरफ रख कर वो अपने लिए जो बेहतर कैंडिडेट समझते हैं उनको वोट देते हैं। ठीक, शुक्रिया आपका। आप जो है वो वज़ीर रही हैं वुमेन डेवलपमेंट की, आप ये समझती हैं कि पाकिस्तान में औरतों से औरतों के सबसे जो बड़े मसाइल हैं उनमें क्या है जो जिनको हल करना जो है वो बहुत ज़रूरी है?
औरतों के लिए मैं समझती हूँ कि इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब जिस तरह मतलब आए दिन हम लोग सुन रहे हैं जैसे जेंडर क्राइम के हवाले से, तो मेरे जहन के मुताबिक औरतें अगर माली तौर पे मुस्तहकम होंगी तो मतलब समझौता नहीं करेंगी। मतलब जहाँ जैसे तशद्दुद के वाक़यात हैं या ना इंसाफ़ी है, ख्वातीन उस वक़्त कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं जिस वक़्त वो इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं। मतलब उनके पास कोई चारा नहीं होता बर्दाश्त करने के सिवा। तो जिस वक़्त मेरा ख्याल है कि औरतें अगर माली तौर पे मुस्तहकम होंगी तो फिर ये है कि बेहतर तरीके से वो फ़ैसला कर भी सकती हैं। और दूसरे नंबर पे जो उनके साथ नाइंसाफ़ी की जाती है या जिस्मानी या नफसियाती तशद्दुद का शिकार होती हैं, वो आवाज़ उठा सकती हैं कि मेरे साथ ये काम ना किया जाए। लेकिन इस वक्त जो है ख्वातीन और मर्द में सिर्फ इतना फ़र्क रह गया है कि सिर्फ ये है कि फ़िज़िकली ख्वातीन कमज़ोर हैं, लेकिन बाकी मामलात में आप देख सकते हैं कि हर शोबे में जो है ख्वातीन शाना बशाना चल सकती हैं। जापान जहाँ पे हिरोशिमा और नागासाकी जैसे बहुत बड़े अटैक हुए, बमबार्स हुए, निस्त न बहुत हो गए घटने, लेकिन उन्होंने अपने आप खुद को स्टैंड किया, मेहनत की। आप पाकिस्तान को कहाँ देख रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो ये कहाँ पे खड़ा है और कैसा उनका जो मैनेजमेंट सिस्टम है कि हम अगर वो अडॉप्ट करें तो हम एक मिसाल बने, तो पाकिस्तान कैसे स्टैंड अप हो सकते हैं? ये जो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी आवाम के मसाइल के लिए वन पेज पे आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से मतलब जो भी पार्टी बरसरे इक्तदार आती है, पहले दिन से मतलब अपोजिशन ने तहैया किया हुआ होता है कि हमने हुकूमत की मुखालफत करनी है तो फिर हमारी सर्वाइवल है। हम लोग बरसरे इक्तदार थे तो पीटीआई के चंद मेंबर्स थे, तो लेकिन यह है कि नारेबाजी, मतलब ये है कि जिस वक्त एक पार्टी जो कल्चर मुतारफ़ करवाती है वही दूसरी पार्टी जो है वही कल्चर को दोहराती है। लेकिन इसके साथ साथ फिर यही है कि क्योंकि मेरे जहन के मुताबिक पॉलिटिकल लीडरशिप के जहन में ये चीज़ है कि क्योंकि हम पॉलिटिकल लीडरशिप अगर एग्रेसिवनेस दिखाते हैं लोग पसंद करती है, तो मेरा ख्याल है कि लोगों की तरजीहात इमोशन की बजाय मतलब कौमी मसाइल की तरफ, मतलब क्योंकि लोग जब मुतालबा करेंगे, मतलब लोगों को जज्बाती तकरीरों से ज़्यादा लोग अगर सवाल करना शुरू करेंगे कि हमें जज्बाती तकरीरों की ज़रूरत नहीं है, मतलब हमें मसाइल के हल की ज़रूरत है, मेरा ख्याल है कि फिर पॉलिटिकल लीडरशिप का रवैया जो है वो भी साथ उसके मुताबिक ही तब्दील होगा। तो इसके अलावा मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की ये भी बदकिस्मती है कि 74 साल में लोकल बॉडीज़ का सिस्टम जो है एक मिच्योर शक्ल इख्तियार नहीं कर सके। मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है, अब जैसे परवेज़ मुशर्रफ का दौर था तो उस वक्त नाजम का सिस्टम मुतारफ़ करवाया गया, उसके बाद हमारी जब पार्टी आई तो हमने म्यूनसिपल कमेटी का सिस्टम जो है दोबारा बहाल किया, फिर पीटीआई की हुकूमत आ गई, पीटीआई ने फिर जो है ना उसको ख़त्म करके एक नया सिस्टम लिया है। इसी तरह जब नई जमात फिर बरसरे इक्तदार आएगी तो फिर उसको ख़त्म कर देंगे। तो मेरे जहन के मुताबिक इस तरह जो है पब्लिक मनी का ज़िया भी है। पाकिस्तान के अंदर देखें लोकल बॉडीज़ का सिस्टम ही कोई नहीं। मतलब हमारा MPMNA का एक माइंडसेट बना हुआ है कि जब तक हमने गलियां नालियां नहीं बनानी तो पब्लिक ने वोट ही कोई नहीं देना। तो लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरी जो अपनी राय है, लेकिन जब तक क्योंकि MPAs और MNAs इनकी मेजॉरिटी की राय नहीं बनेगी उस वक्त तक तब्दीली नहीं आ सकती। एक पेज पे हमारे दौर में कोशिश हुई है, जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर साहिबा का परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर से पहले आपको पता होगा कि जैसे एक दूसरे के खिलाफ थे, मतलब हर ढाई ढाई साल के बाद जो है मतलब गवर्नमेंट चेंज होती थी, तो लेकिन एक टाइम आया दोनों पॉलिटिकल लीडरशिप ने अपने तजुर्बात से सीखा और सीखने के बाद उन्होंने मिसाक जमहूरियत जो है साइन किया, और साइन करने के बाद इस बात पे इतफाक़ किया कि जिसकी भी गवर्नमेंट आए हमने 5 साल पूरा करवाना है। तो इसी तरह मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल सिस्टम चलता रहेगा, जमहूरियत मजबूत होगी तो हमारा सिस्टम जो है मजबूत होगा। एक ऐसी जमहूरियत है कि एक तरफ तो मियां शहबाज शरीफ साहब के नारे थे कि मैं जरदारी को सड़कों पर घसीटूंगा, दूसरी तरफ जरदारी साहब का बयान था कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी सारे एक पे इस एक पेज पर जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं। अभी की जो ताज़ा तरीन एक मिसाल है APC में सारे इकट्ठे हुए, तो वो वहाँ पर वो मारना वो घसीटना वो कहाँ पर गया?
इसमें क्योंकि देखें मारना घसीटने वाला जो ये जो तकरीर होती है, और मैं समझती हूँ कि जिस वक्त ये रोज़मर्रा के अपनी जो ज़िंदगी में इस तरह के गुफ्तगू कभी भी नहीं करते होंगे, लेकिन हमारे पाकिस्तानी अवाम जो है इस तरह के गुफ्तगू, मतलब ज़्यादातर अवाम इस तरह के गुफ्तगू को पसंद करती है, जिसकी वजह से मैं समझती हूँ कि पॉलिटिकल लीडरशिप को इस तरह की गुफ्तगू या इस तरह की तकरीर करनी पड़ती है। तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह के पब्लिक पसंद करते हैं उसी तरह पॉलिटिकल लीडरशिप जो है बिहेव करती है। और एपीसी के हवाले से इसको पॉजिटिव सेंस में लें कि क्योंकि देखें जितना ओपोजिशन मजबूत होगी गवर्नमेंट जो है बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। तो इसमें इसको मैं पॉजिटिव सेंस में लेती हूँ कि एपीसी के तहत अगर ओपोजिशन जमातें एक ही पेज पर इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर अगर गवर्नमेंट के जो वीक पॉइंट्स हैं उसको सामने लेकर आते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इस तरीके से गवर्नमेंट जो है पब्लिक के लिए बेहतर तरीके से काम करेगी। इस एपीसी में ऑल पार्टी जो कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें नून और शीन के जो काफ़ी बाज गुजश्त जो है वो सुनाई दे रही है, ये क्या हुआ क्या है? बस प्रोपेगेंडा है उस मैंने क्योंकि पार्टी को नज़दीक से देखा है और मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब मुकम्मल वन पेज पे। इसी तरह मियाँ शहबाज शरीफ साहब की सोच और मरियम नवाज साहिबा की सोच में फ़र्क हो सकता है, तो लेकिन ये है कि पॉलिटिकल डिसीजंस के हवाले से ये नहीं हो सकता कि दोनों अलग-अलग अलग-अलग जो हैं हों, मतलब वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत पर एतमाद करते हैं, और दूसरे नंबर पर मरियम नवाज साहिबा जो भी बात करती है या जो भी काम करती है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की हिदायत के मुताबिक करती है, मतलब उनकी मशवरत के बगैर मरियम नवाज साहिबा एक कदम भी नहीं उठाती। मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन में इस वक्त बीमार थे, गवर्नमेंट ने उनको मतलब रिलैक्सेशन दी कि वो अपना इलाज करवाएं। अभी जो रिसेंटली केटी सर्विस में उनकी हालत जो है काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह तरह को सेहत दें कि वो बिल्कुल ठीक ठाक हों और पाकिस्तान जल्द वापस आएँ। आप उनकी वापसी के बारे में कैसे देखती हैं कि वो कब तक वापस आएँगे? वापसी पे देखें अब जिस तरह के मामला जो है दो साल से आपके सामने हैं, मतलब नेब की तरफ से अब जैसे नेब के हवाले से जो मुख्तलिफ केसेस जो हैं एक रेफरेंस ख़त्म नहीं होता तो दूसरा रेफरेंस फिर तीसरा रेफरेंस जो है मतलब बिल्कुल इस किस्म की पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई है जिस तरह 70-80 साल पहले जो है पॉलिटिक्स हुआ करती थी। तो इस तरह के हालात में मैं तो समझती हूँ कि जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलता, उनको यकीन दहानी नहीं होगी या उनको यकीन नहीं होगा कि उनको इंसाफ मिलेगा, तो उस वक्त तक मैं नहीं समझती कि थोड़ा सा वापस जाऊंगा एपीसी की जानब। एपीसी का जो बनाने का मकसद था कि इस गवर्नमेंट का जो है वो जल्द से जल्द मतलब किक आउट किया जाए, तो इस एपीसी पर कोई हुकूमत पर कोई जो दबाव है वो को पड़ा, आप समझते हैं कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा इस एपीसी से? यकीनन फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा। और हाँ, लेकिन ये है कि फ़र्क इस तरह नहीं पड़ना चाहिए कि ओपोजिशन मतलब जिस तरीके से अगर बोल रही है तो उसी तरीके से मुकाबले में पॉलिटिकल स्टेटमेंट में इजाफा कर दें। फ़र्क इस तरह पड़ना चाहिए कि पब्लिक के मसाइल को हल करें, मतलब एपीसी के दबाव में आके उनको अपनी कारकर्दगी बेहतर करनी चाहिए ना। जिस तरह मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन में हल्के में जाती हूँ या बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी जिस तरह फैसलाबाद में मुझे जाने का इत्तेफाक होता है या लाहौर में किसी मतलब शॉप्स में जाने का इत्तेफाक होता है, तो लोग बहुत ज़्यादा तंग हैं। मतलब पब्लिक के लिए जिस तरह लोगों ने जिस एक्सपेक्टेशन के साथ वोट दिए थे उस तरीके से पब्लिक को रिलीफ नहीं मिला, तो बल्कि लोग बहुत ज़्यादा तंग हैं यूटिलिटी बिल्स के हवाले से और महंगाई के हवाले से, और पब्लिक को जिस तरीके से फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए थी उस तरीके से नहीं मिल रही। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि एपीसी की बदौलत, मतलब ये नहीं कि एपीसी से ये कि बस एक दूसरे पे अल्ज़ामात का सिलसिला शुरू कर दें, मैं गवर्नमेंट से यही उम्मीद करूँगी कि अपनी परफॉर्मेंस जो है उसको बेहतर करें। जापान के अंदर जो सियासत में दिलचस्पी रखते हैं या जो स्टूडेंट्स जो अभी पढ़ाई के मरहले में हैं या वो सियासत में की मैदान में आना चाहते हैं, तो उनको बाकायदा जो है वो डेमोंस्ट्रेशंस दी जाती हैं, असेंबलीज की तरफ उनको टूर कराया जाता है, ये असेंबली के फोरम है, ये ऐसे इन हाउस ऐसे चलते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ के जो तालिब इलम हैं उनको ये सहूलियात जो है ना वो नहीं दी जाती। स्टूडेंट्स जो हैं वो सियासियात की तरफ आते तो हैं, वो पढ़ते तो हैं, लेकिन उनको इनकी तरफ जो है ना वो
नहीं बताया जाता कि ये फ्लोर्स ऐसे चलते हैं, ये सूबाई असम्बली है, कौमी असम्बली है, पार्लियामेंट है। तो ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं, हमारे आज के जो तालिब इलम हैं, जो सियासत के तालिब इलम हैं, कि उनको भी इस तरफ मतलब कि बताया जाए कि ये पॉलिटिकल सिस्टम है, कल को आज हम हैं, कल आपको ये संभालना पड़ेगा, तो यहाँ पे नहीं है। मेरा ख्याल होता है क्योंकि असेंबली में बलूचिस्तान के बच्चियाँ जो हैं आई हुई थीं और वज़ीर आला से स्पेशल मिलने के लिए भी आए हुए थे, तो ये इंटर प्रोविंशल जो है ना एक्सचेंज प्रोग्राम वो चलता रहता है। लेकिन आपकी बात ठीक है कि जिस तरह बिरौने ममालिक में जिस तरीके से फ्रिक्वेंटली किया जाता है, हो सकता है हमारे मुल्क में ना हो, तो एक आपने अच्छा आइडिया दिया, इसको आगे मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है जी। आप पाकिस्तान में यहाँ पे एक बड़ी पार्टी के साथ हैं, आप अपने इसके अलावा भी क्या एक्टिविटीज़ हैं? हमें थोड़ी सी इतलात मिली कि आप कोई बिज़नेस वगैरह भी यहाँ पर चल रहे हैं और उसके साथ साथ आपकी कोई एनजीओ भी है। पॉलिटिक्स के अलावा एक तो मेरा बिज़नेस ये है कि हना ट्रेडिंग के नाम से वालदा के साथ मिलकर मैं बिज़नेस करती हूँ, और यहाँ से काला नमक, इसी तरह जो काला बाग और खुशाब से जो नमक के टाइल्स बनते हैं, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ खाने के लिए नमक इस्तेमाल होता है, लेकिन बाहर ममालिक में सॉल्ट लैम्प जो है मतलब बतौर कैंडल लाइट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह आजकल बड़ा पॉपुलर है कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जैसे बारबेक्यू के लिए जो है ना मतलब स्टेक वगैरह को नमक के टाइल्स के ऊपर रख के पेश किया जाता है, तो काफ़ी मकदार में बाहर जाती है। एनजीओ का मैं बहुत शौक़ से जो है पॉलिटिक्स के साथ साथ, क्योंकि मैं एक तो रवायती पॉलिटिक्स से हट के मुझे वेलफेयर के काम का शौक़ है, तो इसमें फिर मंडी बहाउद्दीन में मैंने 2012 में जापान एम्बेसी की मदद से मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर हॉस्पिटल बनवाया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो वेलफेयर रेट के ऊपर जो है हम आवाम को फैसिलिटीज़ फराहम कर रहे हैं, हम मंडी बहाउद्दीन शहर के अंदर है। तो इसी तरह वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक टेप्टा और PBTE के साथ एफिलिएशन है, हम बच्चियों को जो है स्किल्स ट्रेनिंग देते हैं, फ्री मेडिकल कैंप हमारा लगता है, और रिसेंटली फिर मैं जापानी हुकूमत का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि जब भी मैंने जापान से दरख्वास्त की, जापान ने हमेशा मतलब मेरा साथ दिया है, और अभी 7 देहातों में मैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट का भी काम स्टार्ट किया है, वो तकरीबन 1 महीने तक वो मुकम्मल होगा और उसकी इनॉग्रेशन होगी। पाकिस्तान और जापान के जो ताल्लुकात हैं आप उनको कैसे देखते हैं? क्योंकि जापान ने हमेशा ही पाकिस्तान की बड़ी जो हेल्प की है, पाकिस्तान के जो सैनिटेशन सिस्टम है उस पर, फैसलाबाद का जो हमें याद है मेगा प्रोजेक्ट था, बलूचिस्तान के अंदर जो बंजर ज़मीन थी उसके लिए मशीनरी प्रोवाइड की थी, पंजाब के अंदर जो है वो बलूचिस्तान में काफ़ी जो मैंने 265 के करीब जो है वो स्कूल्स भी जो प्राइमरी तक हैं वो उन्होंने वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करवाए थे, बनवाए थे। तो पाकिस्तान के जो जापान के ताल्लुकात हैं इनके बारे में बताइए, आप कैसा देखती हैं इनका फ्यूचर कैसा है? और रिसेंटली भी पीटीआई की गवर्नमेंट में जो जापान हुकूमत है उसने पाकिस्तान से जो अफरादी कुवत है वो अपने मुल्क बुलाने के लिए भी उन्होंने सिफारिश की है, और पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से भी एक खतीर रकम जो है वो यहाँ पर वो सर्व करेंगे। जापान जो है 9/11 से पहले पाकिस्तान का सबसे बड़ा डोनर था, मतलब सबसे ज़्यादा इमदाद जो है जापान से मिलती थी पाकिस्तान को, तो लेकिन 9/11 के बाद फिर सूरत हाल और हो गई, फिर अमेरिका मतलब USAID की तरफ से इमदाद आनी शुरू हुई, और चाइना जो है चाइना के साथ पाकिस्तान के तलकात पहले भी बेहतर थे, लेकिन इन्वेस्टमेंट के हवाले से क्योंकि चाइना जो है फिर आगे आ गया, तो लेकिन जापान ने हमेशा मतलब पॉलिटिकल मामलों को एक तरफ रखे, क्योंकि देखें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से भी आप देखें कि जैसे इंडिया और चाइना, जापान और चाइना जो है उनके आपस में पॉलिटिकल रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं है, चाइना के साथ पाकिस्तान का अच्छा है, लेकिन इन तमाम चीज़ों को एक तरफ रखते हुए जापान ने हमेशा मतलब पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी है, हमेशा जापान ने साथ दिया है। और जैसे आपने ज़िक्र किया ये जो अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से, तो अभी रिसेंटली जापान एम्बेसी और इमिग्रेशन डीजी इमिग्रेशन ने एक MOU भी साइन किया है, और जो स्किल वर्कर्स हैं
उनके लिए भी एक तरीक़ेकार बना रहे हैं कि किस तरीके से जो है जापान में भिजवाना है, क्योंकि जापान में क्योंकि जापनीज ही बोली जाती है, वहाँ इंग्लिश तो बोली नहीं जाती, तो इसलिए ये है कि किस तरीके से टेप्टा के थ्रू जो है पहले जापनीज सिखाई जाएगी और उसके बाद जो है उनके लिए नौकरी का बंदोबस्त किया जाएगा। इंशाल्लाह ताला मैं समझती हूँ कि जापान और पाकिस्तान का ताल्लुक जो है पहले भी मजबूत था और मज़ीद मजबूत भी होगी, और बतौर जिस तरह मैं हाफ जापनीज़ और हाफ पाकिस्तानी हूँ, मेरी दिली ख्वाहिश होगी कि मतलब पाकिस्तान और जापान के लिए एक ब्रिज का किरदार अदा कर सकूँ और पाकिस्तान के इमेज को जापान के आगे बेहतर करने के लिए और जापान के इमेज को पाकिस्तान के पाकिस्तानी आवाम के आगे बेहतर करने के लिए जो मैं किरदार अदा कर सकूँ या एक दूसरे की हेल्प के लिए जो कर सकूँ, तो मेरी ख्वाहिश होगी कि एक अच्छा मैं प्ले कर सकूँ। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मोहतरमा हमीदा वहीदुद्दीन साहिबा नौलिक सिंह के ताल्लुक था हमारे साथ थी। इंशाल्लाह फिर दोबारा एक नए मौजू के साथ और नए मेहमान के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।